और जो माल छुटाया जाएगा या कट्टों में भरा जाएगा, इसका जो चार्ज वगैरह पड़ता होगा वो लेबर से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए। तो हमारे साथ भैया हैं, और भैया आपका नाम क्या है? पप्पू पटेल, इलाहाबाद। कहाँ से आए हो आप? इलाहाबाद से। और इस समय आप कहाँ पे हो? इस समय छिपरा गुरसाहगंज में है। गुरसाहगंज तेरा जैकेट पे? हाँ, विकास कोल स्टोर। तो कई दिन हो गए यहाँ आए हुए? 10 दिन हो गया। 10 दिन आए हैं आप? किस मार्फत से यहाँ पे आए हैं? मुनेश। मुनेश के पास किस लिए आए हैं आप? आलू खरीदने। कौन सा आलू खरीदने आए? श्रीनाथ। श्रीनाथ आलू। आपने अभी तक 10 दिन के अंदर अंदर कितनी गाड़ियाँ ऐसे भेज पाई अपने वहाँ? 3 गाड़ियाँ। 3 गाड़ी 10 दिन में। और जो अगर कोई बाहर व्यापार के जो बाहर के जो व्यापारी भाई हैं, अगर वो माल मंगवाना चाहते हैं फ़ोन से, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब भाई उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप उनसे क्या कहेंगे कि उनको किस हिसाब से आलू खरीदना, पाया पकड़ लीजिएगा, और उनको किस हिसाब से यहाँ से आलू खरीदना चाहिए, या कैसे उनको मिल पाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना रुपए देना पड़ेगा, इससे क्या? नहीं नहीं भाई, भाई किसान से बिना रेट की रियल करे कैसे कोई पाए? के चलो, हाँ। किसी व्यापारी भाई ने यहाँ पे फ़ोन किया किसी व्यापारी भाई के पास, हाँ। उसने कहा मुझे माल मिल जाएगा, तो व्यापारी भाई ने हाँ कर दिया और कहा कि आज शाम तक माल मिल जाएगा, तो क्या मिल जाता है? नहीं बहुत, बिना भाई तय भाई सौदा मिल थोड़ो पाए। अच्छा, अब आप माल पसंद करिए तब तो मिली। हाँ, माल पसंद हो जाता वीडियो कॉल से, फोटो हाँ, से, तो फिर मिल जाता है टाइम से। बात वाले यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बात वाले हैं या नहीं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, भाई तो नहीं मिल जाता। आपने अभी तक जो आलू की गाड़ियाँ खरीदी हैं, क्या एक ही व्यापारी से खरीदी? हाँ, एक ही व्यापारी। एक ही व्यापारी? हाँ। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो कैसे लेते हैं? वो खाते में लेते हैं। खाते में लेते हैं और टोटल नगद लेते हैं, उधार भी करते हैं? बस दो चार रोज का उधार लेते हैं। हाँ। तो आप इस समय कौन सी आलू की खरीदारी कर रहे हैं? श्रीनाथ। श्रीनाथ आलू किस रेट में आपने खरीदा अभी तक? 2980 3000। 2980 3000 में सूखा या गीला? या गीला? गीला हुंडा, गीला आलू हुंडा, गाड़ी लोड। हाँ, बिल्टी कट्टा का कट्टा? हाँ, कट्टा कट्टा। अच्छा, आपके वहाँ गीला ही इलाहाबाद जाता है? हाँ। तो आप इलाहाबाद के हैं ना? हाँ। तो आप 10 रोज से यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी रहने खाने व्यवस्था कहाँ पे? अब जो स्टोर में रहते हैं वहीं रहते हैं, विकास कोल्ड स्टोर में। विकास कोल्ड स्टोर में आपको रूम वगैरह मिला? हाँ, रूम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपने व्यापारी भाई से और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। तो हमारे साथ में किसान भाई साहब और बैठे हैं, इनसे नाम पूछेंगे। भैया आपका नाम क्या है? योगेश कुमार। आप कहाँ से हैं? बिसम्बरपुर से हैं। आप माइक को थोड़ा पास में कर लीजिएगा। बिसम्बरपुर से हैं? बिसम्बरपुर से। तो आप इस समय किस कोल्ड में हैं? विकास कोल्ड स्टोर है, तेरा जैकेट। आप लोग देख पा रहे हैं इस समय भैया जो हैं विकास कोल्ड स्टोर में तेरा जैकेट में ये पड़ता है। तो भैया यहाँ पे जो G4 आलू है श्रीनाथ, ये किस रेट में बिक रहा है? ये यहाँ बिक रहा है 1350 रुपये कट्टी। 1350 रुपये कट्टी और अंदर भाड़ा सहित? नहीं, भाड़ा छोड़ के इसमें भाड़ा प्लस करना पड़ेगा। तो जो व्यापारी भाई बिल्टी दे रहे हैं वो कितने रुपए तक की बिल्टी दे रहे हैं? व्यापारी भाइयों को बिल्टी मिल रही है 3000 रुपये कुंटल। 3000 रुपये कुंटल की बिल्टी मिल रही है। अब क्या लग रहा है कि अभी आपके यहाँ बुवाई शुरू हो गई है? बुवाई नहीं शुरू हो गई है, निकासी शुरू हो गई है। अच्छा, निकासी भी शुरू हो चुकी है। बुवाई होने में कितने दिन लग जाएगा? कभी कम से कम 15 दिन। कम से कम 15 दिन लग जाएंगे ना? हाँ। जो यहाँ पे ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं, तो इन गाड़ियों को जो लोडिंग करवाने वाले व्यापारी भाई हैं, क्या वो बात वाले हैं या नहीं? बात वाले क्या, वो सब 15-20 दिन बाद पैसा देते हैं लोगों। आप लोगों किसानों को कब तक पैसा देते हो? कम से कम 20 दिन। और व्यापारी भाइयों से तुरंत पैसा लेना चाहते हैं वो? और क्या, ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते सारे किसान मिलकर? ऑब्जेक्शन क्या, व्यापारी यहाँ के जो हैं वो सब पास ही पड़ोस गए हैं जाने हुए, इसलिए वो लोग उधारी कर देते हैं 10-15 दिन की हैं। अच्छा, तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस कोल्ड में या इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा आलू मिलता है? यहाँ पे श्रीनाथ मिलता है, सिंदूरी मिलता है, और हालैंड सिंदूरी, और जो हमारे हाइब्रिड वगैरह आलू आते हैं हाइब्रिड आलू यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे गड़ाई जो बुवाई आलू की वो कब तक शुरू हो जाती है? 20 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। और सबसे पहले मंडी में, किस मंडी में आलू ले जाते हो आप लोग? कानपुर मंडी में, और जो इलाहाबाद वगैरह यहीं जाता है, लखनऊ जाता है। चलिए, अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप व्यापारी भाइयों से जो यहाँ माल लेने आए हैं, उनके लिए कोई फ़ायदे की बात या कोई सतर्कता? उन लोगों के फायदे की बात यही है कि वो डायरेक्ट किसानों से आलू खरीदें तो उनको ज़्यादा फायदा है। तेज करके ये बात बोलिएगा, व्यापारी भाइयों के फायदे की बात आप बताएं जरा, क्या है? व्यापारियों को आलू जो है किसानों से डायरेक्ट खरीदना चाहिए। अगर व्यापारी भाइयों ने सोचा कि हाँ लाओ किसान से माल खरीद लें,
पर वो आपसे संपर्क कैसे कर पाएंगे? संपर्क आज के ज़माने में संपर्क क्या, वो तो फ़ोन नंबर ले लीजिए आराम से, वहाँ से कॉल कीजिए, यहाँ जाइए, आपको किसान कॉलोनी में मिलेगा। अच्छा, किसान कॉलोनी में मिलेगा, वो आपको सैंपल दिखाएगा, सैंपल दिखाएगा, पास हो तुरंत से जाएँ, कटवाओ चाहे बिल्टी ले जाओ, कुछ भी करो ना, कुछ भी करो, कोई दिक्कत तो